अद्य बुधवासरा अथवा सौम्यवासरा, ज्येष्ठ शुद्ध षष्ठी, दिनांक 12 जून 2024, पतंजल योग सूत्र। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवम्। अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यं खलु धर्म साधनम्। कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासो यदुक्तवान् यदुक्तवान् तदहमत्र वक्ष्ये। उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम्। आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते योगशास्त्रे अधुना, किन्तु न तत्तस्य प्रयोजनम्। द्वयोर्मोक्षप्राप्ति स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः। स्वास्थ्यञ्च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च। सम्यगध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तद्भवेत्। शांति शांति शांति। प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः। अथ योगानुशासनं। योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः। तदा द्रष्टुस्वरूपे अवस्थानं वृत्तिसारूप्यपितरत्र। वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाक्लिष्टाः। प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः। प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। विपर्ययमिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठं। शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः। अभावप्रत्यालम्बनावृत्तिर्निद्रा। अनुभूतविषयासं प्रमोषः स्मृतिः। अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः। तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः। स तु दीर्घकालो नैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढभूमिः। दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यं। तत्परं पुरुषख्यातिर्गुणवैतृष्ण्यम्। वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः। विरामप्रत्याभ्यासपूर्वसंस्कारशेषोऽन्यः। भवप्रत्ययो विधेयप्रकृतिलयानां। श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषां। तीव्रसंवेगानाम् आसन्ना। मृदुमध्यादिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः। ईश्वरप्रणिधानाद्वा। क्लेशकर्मविपाकाशैरपरामृष्टःपुरुषविशेष ईश्वरः। तत्र निरतिशयं सार्वज्ञबीजं। स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्। तस्य वाचकः प्रणवः। तज्जपस्तदर्थभावनम्। ततःप्रत्यक्चेतनादिगमोऽप्यन्तराया भावश्च। व्याधिस्थानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धमिमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते अन्तराया। दुःखदोर्मनस्य अङ्गमयजयत्व श्वासप्रश्वासा विक्षेपसह भुवः। तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्त्वाभ्यासः। नैत्रीकरणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनात्तश्चित्तप्रसादनम्। प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसि स्थितिनिबिन्दिनी। विशोका वा ज्योतिष्मति। वीतरागविषयं वा चित्तं। स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा यथाभिमतध्यानात् वा। परमाणुपरममहत्वान्तोऽस्य वशीकारः। क्षीणवृत्तिरभिजातस्यैव मणेर्ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्स्ततञ्जनता समापत्तिः। तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङ्कीर्णा स वितर्का समापत्तिः। स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्ये वार्तमात्रनिर्भासान्तिर्वितर्का।
एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानम् ता एव सबीज समाधि निर्विचार वैशारद्याध्यात्म प्रसादा ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात् संस्कारोऽन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्बीज समाधि इति पतंजलि विरचिते योगसूत्रे प्रथम समाधिपादः द्वितीयोऽध्यायः साधनपादः तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः समाधिभावनार्थः क्लेशतनूकरणार्थश्च अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदराणाम् अनित्याशुचिदिखानात्मसु नित्यशिशुसुखात्मख्यातिरविद्या दुग्दर्शनशक्तिरेकात्मतेवास्मिता सुखानुषयिरागः दुःखानुषयिद्वेषः स्वरसवाहिविदुषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशयदृष्टादृष्टजन्मवेदनीया सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः तेल्लादप्रतापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात् परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखमनागतं द्रष्टुदृश्यसंयोगो हेयहेतुः प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम् विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि द्रष्टा दृशिमात्र शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा कृतार्थं प्रतिनष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामिशक्तिस्वरूपोपलब्धिहेतुस्संयोगः तस्य हेतुरविद्या तदभावात् संयोगाभावो हानन्तदृशेः कैवल्यम् विवेकख्यातिरविप्लवः हानोपायः तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा योगाङ्गानुष्ठानात् योगाङ्गानुष्ठानात् अशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिरा विवेकख्यातेः यमनियम आसन प्राणायाम प्रत्याहारधारणाध्यानसमाधया समाधयो अष्टावङ्गानि अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महावर्तम् शौचसन्तोषतपस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम् वितर्काहिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वका मृदुमध्यादिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम् अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निद्धौ वैरत्यागः सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानं ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथन्ता सम्बोधः शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः सत्त्वशुद्धिसौमनस्यैकाग्रेन्द्रियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानि च सत्त्वशुद्धिसौमनस्यैकाग्रेन्द्रियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानि च सन्तोषात् अनुत्तमसुखलाभः कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात् तपसः स्वाध्यायात् इष्टदेवतासम्प्रयोगः समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानम् स्थिरसुखमासनं प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्यां ततो द्वन्द्वानभिघातः तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसङ्ख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः बाह्याभ्यन्तर्विषयक्षेपी चतुर्थः ततः क्षीयते प्रकाशावरणं धारणासु च योग्यता मनसः स्वविषयासंप्रयोगचित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमा वर्षतेन्द्रियाणाम् इति पतञ्जलिविरचिते योगसूत्रे द्वितीयसाधनपादः तृतीयोऽध्यायः विभूतिपादः देशबन्धश्चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्ययैकतानताध्यानं तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः त्रयमेकत्र संयमः तज्जयात् प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषु विनियोगः त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः तदपि बहिरङ्गं निर्बीजस्य व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभवप्रादुर्भावो निरोधक्षणचित्तान्वयो निरोधपरिणामः तस्य प्रशान्तवहितासंस्कारात् सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्य एकाग्रतापरिणामः एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याताः शान्तोदिता व्यपदेश्य
धर्मानुपाती धर्म धर्मी क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतु परिणामत्रय संयमात अतीतानागत ज्ञानम शब्दार्थ प्रत्ययानाम इतरेतराध्यासात संकरस्तत्प्रविभाग संयमात सर्वभूतरुत ज्ञानम संस्कार साक्षात्करणात् पूर्वजाति ज्ञानम प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम न च तत्सालंबनम तस्या विषयी भूतत्वात् कायरूप संयमात् ग्राह्य शक्तिस्तंभे चक्षु प्रकाशा संयोग प्रकाशा संप्रयोगे अंतर्धानम सोपक्रम निरुपक्रम च कर्म तत्संयमात् अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा मैत्र्यादिषु बलानि बलेषु अस्ति बलादिनी प्रवृत्यालोक न्यासात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात् चंद्रे ताराव्यूह ज्ञानम ध्रुवे तद्गति ज्ञानम नाभिचक्रे काय व्यूह ज्ञानम कंठकूपे क्षुत्पिपासा निवृत्ति कूर्मनाड्यां स्थैर्यम् मूर्धज्योतिषि सिद्ध दर्शन प्रति प्रातिभाद्वा सर्वं हृदय चित्त संवित सत्वपुरुषयोः अत्यंता संकीर्णयोः प्रशेष प्रत्यया विशेषो भोगः परार्थत्वात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम तत प्रतिभ श्रावण वेदना दर्शास दर्शास्वाद्वा दर्शासु तत प्रातिभ श्रावण वेदना दर्शा स्वाद वार्ता जायन्ते ते समाधव उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः बंधकारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरा प्रवेश परशरीरावेशः उदानजयात् जलपङ्ककण्टकादिषु असङ्गः उत्क्रान्तिश्च समानजयात् ज्वलनं श्रोत्राकाशय सम्बन्धसम्बन्धात् सम्बन्धसंयमाद् दिव्यं श्रोत्रम् कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमात् लघुतूलसमापत्तिश्च आकाशगमनम् बहिरकल्पितावृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्वयार्थवत्त्वसंयमाद्भूतजयः ततो अणिमादिप्रादुर्भावः कायसम्पत्तद्धर्मानभिघातश्च रूपलावण्यबलवज्रसंवहनत्वानि कायसम्पत् ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयार्थवत्त्वसंयमाद् इन्द्रियजयः ततो मनोजयित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वञ्च तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम् स्थान्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणं पुनरनरिष्टप्रसङ्गात् क्षणतत्क्रमयोः संयमात् विवेकजं ज्ञानं जातिलक्षणदेशैरन्यतानवच्छेदात् तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयम् अक्रमं च इति विवेकजं ज्ञानं तत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाध्ने कैवल्यमिति इति पतञ्जलिविरचिते योगसूत्रे तृतीयो विविधो विभूतिपादः तो ये काफी निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद वैशारद्य यानी कि पक्वावस्था निर्विचार समाधि में वैशारद्य प्राप्त होने पर जो समाधि पक्वावस्था में पहुंचा गया है पहुंचा है उसका अनात्म वासनों का कारण जो रजस्तमो मल उनका नाश होने से चित्त में अध्यात्म प्रसाद होता है प्रकाशात्मकता ये बुद्धि का स्वभाव है किंतु चित्त में रजस्तमो मूलक अनात्म वासनों से बुद्धि की प्रकाशता झांकी हुई इस प्रकार की रहती है ढकी हुई रहती है जैसे कि एक स्वच्छ काश पर काजली इस प्रकार की हो जाती है तो उसकी स्वच्छता दिखाई नहीं देती तो उस और इसमें से
जो दिए का प्रकाश है वो भी अच्छी तरीके से बाहर नहीं निकलता। रजस्तमो मूलक वासनाओं से बुद्धि ग्रस्त होने के कारण उसके यहाँ भी इसी प्रकार का मालिन्य आ जाता है। योगाभ्यास के लिए प्रवृत्त साधक की ये वासनाएं अभ्यास और वैराग्य इनके परिशीलन से दग्ध प्राय हुई रहती है। उसी प्रकार उसने संप्रज्ञाता समाधि के जो सवितर्क निर्वितर्क और सविचार इन प्रकार का यथावत परिशलन किया होता है और निर्विचार समापत्ति में वो प्रविष्ट होता है। दीर्घ काल निरंतर सत्कार पूर्वक किए हुए निर्विचार समापत्ति के अभ्यास से भाव्य वस्तु पर चित्त इतना स्थिर होता है कि उसको अर्थमात्र निर्भासता प्राप्त हुई भी होती है। इस रीति से चित्त प्रशांत स्वच्छ और इस प्रकार के स्थिति प्रवाह को प्राप्त जब हो जाता है तब उस अवस्था में निर्विचार निर्विकार वैशारद्य प्राप्त हो गया ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार का वैशारद्य प्राप्त होने पर चित्त में अनात्म वासना नष्ट हो जाती है और प्रकृति और पुरुष इनके बारे में विवेक चित्त में उत्पन्न हो जाता है और चित्त सहजता से ही आत्म साक्षात्कार उन्मुख हो जाता है। ये अध्यात्म प्रसाद इस प्रकार का हो तो यहाँ चित्त पहुंचने पर विषय के बारे में वैतृष्ण्य पूर्णावस्था को प्राप्त हो जाता है अर्थात चित्त के अनात्म विषय के बारे में जो लगाव है वो स्वभावतः ही नष्ट हो जाता है। आत्म साक्षात्कारार्थ समाधि के अगली अवस्था अगला अभ्यास जो है इसमें तीव्र संवेग निर्माण हो जाता है और इस प्रकार चित्त में तीव्र संवेग उत्पन्न होने पर साधक को निर्विचार समाधि की अगली अवस्था जो सानंद संप्रज्ञाता समाधि अरे बाप रे अभी तो ये सानंद सातवीं समाधि तक ही पहुंचे है। इस सूत्र से स्पष्ट किया है। हाँ निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद निर्विचार समाधि में वैशारद्य जब प्राप्त हो जाता है तो अध्यात्म प्रसाद हो जाता है। अभी हमने शुरुआत की थी विकल्प फिर विचार इस प्रकार की और फिर सानंद और सास्मित इस प्रकार की ये अवस्थाएं बताई थी संप्राप्ति की इस प्रकार संप्रज्ञाता समाधि की। तो एतयैव से विचारा निर्विचार च सूक्ष्म विषय व्याख्याता ये पिछले सूत्र में लिखा था और दृष्टा दृश्य और ज्ञान ये जो तीन भाव है अध्यात्म प्रसाद में नक्की काय अपेक्षित है उसमें से जो दोष है वो निकल जाएंगे। रजा और तम ये मूलक इस प्रकार के अनात्म विषय यहाँ पे उन्होंने बताया है तो आत्मस्थ मन से स्थिरे ये जो तीसरी सानंद इस प्रकार की अवस्था है उस अवस्था में पहुंचना है। मुझे लगा था कि अभी ये संप्रज्ञाता समाधि का पूरा हो गया अभी निर्विचार निर्विकल्प का समाधि या फिर असंप्रज्ञाता समाधि इसमें हम घुस गए हैं लेकिन सूत्रों इनका जो विवरण है उसके आधार पर दिख रहा है कि इस अवस्था में हम सानंद समाधि तक पहुंच जाते हैं इस प्रकार से। तो निर्विचार समाधि में वैशारद्य जब प्राप्त हो जाता है तो वो समाधि पक्वावस्था में पहुंच गया ऐसा। अनात्म वासनों का कारण जो रजस्तमोमल उनका नाश होने से चित्त में अध्यात्म प्रसाद होता है। ये प्रच्छन्न विधारण अभ्याम वा प्राणस्य ये जो चित्त प्रसादन की बात कही गई है इस प्रकार से मैत्री करणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम। तो जब ये तो
तस्य वचनवाचकः प्रणवः तज्जपः तदर्थ भावनम् तत प्रत्यक्षेतनाधिगमोप्यन्तराया भावश्च। और फिर अंतराय जो व्याधि स्थान संशय प्रमाद आलस्य वगैरह वगैरह बताए, और फिर दुख दौर्मनस्य अंगमय जयत्व वगैरह उसके साथ विक्षेप सह भूव होने वाले इस प्रकार के है। तत्प्रत्यक्षेतार्थम एक तत्वाभ्यासाम इस प्रकार का सूत्र आया। और फिर यहाँ से अधिकरण अचानक बदल गया, मैत्री करणामुदितोपेक्षा ये सूत्र सामने आ गया और उससे चित्त प्रसादन होता है। और प्रच्छन्न विधारणा प्राण से विषय व्यक्ति व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबिंदनी वगैरह वगैरह, ये सभी चित्त प्रसादन के उपाय बताए गए इस प्रकार। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि रज और तम ये दोष है इसमें कोई ये संशय संदेह इस प्रकार का नहीं है। अब इनका क्षय कैसे करने का, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद, निर्विचार में वैशारद्य प्राप्त हो जाता है तो वो अध्यात्म प्रसाद इस प्रकार का माना जाएगा। और उसको उन्होंने एक दिए का उदाहरण दिया है कि उसके कांच पर अगर ये काला आवरण हो गया है तो फिर ज्योति अच्छे तरीके से दिखते नहीं है, प्रकाश अच्छे तरीके से आता नहीं है। उसी प्रकार रज और तम इन दोषों के जरिए ये आत्म ज्योति जो है वो अच्छे तरीके से दिख नहीं रही है, इस प्रकार की स्थिति होती है। तो अभ्यास और वैराग्य इनके परिशीलन से ये वासनाएं जो है वो दग्ध प्राय रहती है। और संप्रदाप्त समाधि के सभी तर्क निर्वितर्क सविचार इन प्रकार के अवस्थाओं का यथावत परिशीलन उसने किया है तो निर्विचार समापत्ति में प्रविष्ट हो जाता है। तो पहले सभी तर्क, फिर निर्वितर्क, और फिर सविचार, और फिर निर्विचार, इस प्रकार की समापत्ति यहाँ पे बताई गई है। दीर्घ काल निरंतर और सत्कार पूर्वक किए हुए निर्विचार समापत्ति के अभ्यास से भाव्य वस्तु पर उसका चित्त इतना स्थिर हो जाता है कि उसको अर्थमात्र निर्भासता प्राप्त हो जाती है। तो केवल अर्थ जैसा है इस प्रकार का भास होना उसको प्राप्त हो जाता है और चित्त शांत स्वच्छ इस प्रकार को स्थिति प्रवाह को प्राप्त हो जाता है। तो उसको निर्विकार वैचारद्य प्राप्त हुआ ऐसा समझने का। तो फिर चित्त में जो अनात्म वासना वो नष्ट होकर, अनात्म वासना क्या कह रहे हैं ये पता नहीं लग रहा, आत्म पर निर्भर नहीं है वो अनात्म इस प्रकार की, अनात्म इस प्रकार की वासनाएं। और फिर प्रकृति और पुरुष इनमें जो विवेक है इनके बारे में वो चित्त में उदित होता है और चित्त सहजता से आत्म साक्षात्कार उन्मुख होता है, यही अध्यात्म प्रसाद है। तो इसमें वैतृष्ण्य बढ़ जाता है, अनात्म विषय की जो विषय की तरफ उसकी जो प्रवृत्ति है उस स्वभावतः नष्ट हो जाती है। कायिक वाचिक मानसिक कर्म हेतु जितना अधिक सात्विक रहेंगे और राजसिक तामसिक काम और वेग, काम उतना चित्त प्रसन्न कम कर देंगे तो उतना चित्त प्रसन्न होता रहेगा। मुझे लगता है कि अनात्म विषय जो है वो केवल आत्मा को छोड़कर बाकी सभी चीजें अनात्म विषय हो जाएगी, किसी भी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने का जो विषय है वो नहीं रहेगा, केवल आत्मा यही विषय रहेगा। तो आत्मस्थ मनस स्थिर, ये जो बात चरकाचार्य ने कही है, या फिर इनकी जो सानंद समाधि इस प्रकार की है संप्रज्ञाता समाधि, उसी के बारे में ये उत्पन्न होता है।
तो सानंद संप्रज्ञात समाधि के अभ्यास के लिए वो लग जाता है इस प्रकार से। इस प्रकार का चित्त में तीव्र संवेग निर्माण होने पर निर्विचार समाधि की अगली अवस्था जो सानंद संप्रज्ञात समाधि, उसका अभ्यास उसको करना चाहिए। निर्विचार समाधि में वैशारद्य प्राप्त होने पर साधक की प्रज्ञा भी किस प्रकार से उत्कर्ष की अवस्था को प्राप्त होती है, अगले सूत्र में बताया गया है। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। निर्विचार समाधि में वैशारद्य इस अवस्था में योगी की प्रज्ञा ऋतंभरा, यानी कि किसी भी विपर्यय का संपर्क न होते हुए वस्तु मात्र का पूर्ण ज्ञान पूर्णत्व से यथार्थत्व से ग्रहण करने वाली होती है। ये रुतम वच्मी सत्यम वच्मी, ये जो अथर्व शीर्ष में आता है, तो रुत और सत्य ये सत्य के ही दो कोटि इस प्रकार के माने जाते हैं। जो व्यावहारिक सत्य है उसको सत्य कहते हैं, और रुत जो है वो पारमार्थिक सत्य इस प्रकार का कहा जाता है। तो उसके बारे में सोचना भी मुश्किल है रुत के बारे में इस प्रकार से। इसीलिए ये सत्यवादिनम अक्रोधम निवृत्तम मध्य मैथुनाति आचार रसायन जो बताया, उसमें सत्यवादी होना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि हमें सत्य क्या है यही मालूम नहीं है, तो सत्यवादी क्या कहेंगे हम इस प्रकार से। और रुत तो उसके भी पर इस प्रकार का है, तो इसलिए ये ऋतंभरा प्रज्ञा वहां जागृत हो जाती है इस प्रकार से। और वस्तु मात्र का ज्ञान पूर्णत्व से अर्थार्थत्व से ग्रहण इस प्रकार का हो जाता है। तो जो मैं शुरू से एक बात बताता आ रहा था कि हमारा जो ज्ञान है वो सापेक्ष इस प्रकार का है, या फिर कंडीशनिंग इसका हो गया है कि इसको ये कहना है, इसको ये कहना है, इस प्रकार का ज्ञान हमें रहता है इस प्रकार का। और फिर उसमें ईश्वर इच्छा है, संकेत है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से बातें की जाती है। तो जो वस्तु जैसी हो उसी प्रकार से उसका ज्ञान होना, ये काफी मुश्किल मामला है, क्योंकि ये पूर्व संस्कारों से जुड़ा इस प्रकार का हो जाता है, और उन संस्कारों को दूर करना काफी मुश्किल काम इस प्रकार का। मैंने एक उदाहरण दिया था, ब्लू लागून करके एक फिल्म थी, है एक्चुअली अंग्रेजी में। तो छोटे उम्र में दो बच्चे वहां पे गुम हो जाते हैं, और उनके साथ उनका चाचा रहता है, वो भी आगे मर जाता है। और फिर ये लड़का लड़की जिस तरीके से उस आइलैंड को समझते हैं, वहां के पदार्थों को समझते हैं, ये एक अजीब मामला है। उनको एक बेटा होता है आगे, वो भी किस तरीके से इसको समझता है, ये भी एक अजीब मामला है, क्योंकि कंडीशनिंग नहीं है, कंडीशनिंग नहीं है, और इसीलिए जो ज्ञान होगा ये अलग इस प्रकार का होगा। मैंने कोलटकर सर के बंधु का उदाहरण दिया था कि उन्होंने छठे बरस में वेदाध्ययन में डाला गया, फिर 12 बरस वेदाध्ययन किया, और फिर फॉर्मल एजुकेशन में आ गए, बाहर से एसएससी के एग्जामिनेशन दे दी, फिर आगे एमएससी गणित में किया, और पूरी उपजीविका जो चलाई वो गणित के क्लासेस पर चलाई। अब उन्होंने उनके बेटे को भी इसी प्रकार से छठे बरस में वेदाध्ययन में डाल दिया। वेदाध्ययन पूरा होने के बाद उसने कहा कि मैं फॉर्मल एजुकेशन में नहीं आऊंगा, और ना ही मैं पौरोहित्य करूंगा। ये सभी लोग पौरोहित्य करते हैं और उससे उपजीविका चलाते हैं। तो बोला कि मुझे उसमें भी दिलचस्पी नहीं है, मैं केवल अध्यापक रहूंगा। और फिर एक पाठशाला है वहां पे वो सिखा रहा है इस प्रकार से। अब वो भी काफी बड़ा है, उसकी उम्र अभी 40 या 45 इस प्रकार की होगी, उसको भी एक बेटी है, वगैरह वगैरह, बेटी है, बेटा है। कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जिसने फॉर्मल एजुकेशन लिया ही नहीं है उनकी सोच अलग रहती है, क्योंकि हमारा कंडीशनिंग होने के जरिए
हम उस दृष्टि से सोचते रहते हैं। मैंने एक उदाहरण वो भी दिया था कोलटकर सर के बारे में। मेरे गोद में कुछ बच्चा था मैं कोलटकर सर और कुछ फैमिली मेंबर्स ऐसे चाह रहे थे। बच्चा सो गया, 1-2 बरस का होगा तो वो भारी लगने लगा तो मैंने कोलटकर सर से पूछा कि ये ऐसा क्यों होता है। वैसे बच्चा तो वही है, जब जागृत अवस्था में था तो उसका वजन उतना फील नहीं हो रहा था, लेकिन अभी जैसे वो सो गया तो भारीपन लग रहा है। इस प्रकार से कंडीशनिंग के कारण मेरे मन में ऐसा था कि उसका गुरुत्व मध्य, जब वो जागरूक था हलचल कर रहा था तो गुरुत्व मध्य एक स्थान पर स्थिर नहीं था। अब जो सो गया तो गुरुत्व मध्य किसी एक स्थान पर स्थिर हो गया और इसलिए वो वजन मुझे महसूस होने लगा कि यहाँ वजन ज्यादा है। इस प्रकार सर ने जवाब दिया, वो अलग ही था। उन्होंने कहा कि एक उदान की उद्धरण शक्ति है, जागृत अवस्था में वो काम करती रहती है और फिर उस उद्धरण शक्ति के लिए वजन महसूस नहीं होता, और जब उदान का कार्य निद्रावस्था में रुक जाता है, कम हो जाता है, ऐसा कुछ है, तो ये अपोजिट फोर्स नहीं रहेगा उद्धरण शक्ति वाला, तो फिर भारीपन लगता है। अब ये अलग ही सोच है, ये सोच हम नहीं कर पाएंगे जो फॉर्मल एजुकेशन में जिनका कंडीशनिंग इस प्रकार का हुआ है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ऋतंभरा प्रज्ञा, जागृत होना और किसी भी विपर्यय का संपर्क न होते हुए वस्तु मात्र का ज्ञान पूर्णत्व से यथार्थत्व से ग्रहण हो जाता, जो वस्तु जैसी है वही उसका उसी प्रकार का उसका ज्ञान हो जाता। ये चांगदेव 65 में ज्ञानेश्वर ने चांगदेव से जो बात की है वो सीधा डायरेक्ट मुद्दे पर उतर आए हैं कि ये जो सब जग हमें भासमान इस प्रकार का है लग रहा है वो वास्तव में नहीं है, वो ब्रह्म ही है, बाकी कुछ नहीं है। इस प्रकार से अब सर्वं खलु इदं ब्रह्म, ये जो एक वाक्य है इस प्रकार का, वहां तक पहुंचना और विश्व को देखते हुए पहुंचना काफी मुश्किल मामला है। सामने मुझे सब दिख रहा है फिर भी ये कुछ नहीं है, ब्रह्म ही है। इस प्रकार से तो शायद ऋतंभरा प्रज्ञा जब हो जाती है तो जो वस्तु जैसी है, खास करके ब्रह्म का ज्ञान होना, ये सबसे अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और ये बाकी सब जो चीजें हैं वो उस पर भासमान होने वाली चीजें हैं। इस प्रकार का अगाजे झाले ची नाही त्याची वार्ता काय पुसेशी, ऐसा ज्ञानेश्वर में लिखा है। विश्व निर्माण ही नहीं हुआ है तो उसके बारे में क्या पूछते हो इस प्रकार। लेकिन ये किसके लिए? योगियों के लिए, जिनकी ऋतंभरा प्रज्ञा जागृत हो गई है, उनके लिए सिर्फ ब्रह्म ही है, बाकी कुछ है ही नहीं। इस प्रकार से ये काफी मामला मुश्किल इस प्रकार का है। तो इस प्रकार से अवस्था को प्राप्त करने के लिए इस आनंद समाधि इस अवस्था में पहुंचना पड़ेगा, निर्विचार में वैशारद्य इस प्रकार का प्राप्त हो जाए। तो सवितर्क निर्विकल्पक, सवितर्क निर्वितर्क, सविकल्प सविकल्पक निर्विकल्पक, सविचार निर्विचार, ये जो अवस्थाएं बताई गई उनको भली भांति देखना है। इस प्रकार से तत्व श्रद्धार्थ ज्ञान संकीर्ण ही सविकल्पा समापत्ति, ये जो बात बताई गई है शब्दार्थ ज्ञान या फिर दृष्टा दृश्य और ज्ञान उसका जो है इस प्रकार का, तो ये विकल्प है इसमें। और फिर ग्राह्य समापत्ति पहले खत्म हो जाती है, फिर ग्रहण समापत्ति कम खत्म हो जाती है, और फिर ग्रहिता, ये जो समापत्ति है ये शेष रह जाती है। ये ग्रहिता समापत्ति जो है वो ज्ञान करने वाला भी आत्मा और जिसका ज्ञान होने वाला है वो भी आत्मा, तो दोनों में और कुछ नहीं रहता, ग्रहण भी नहीं रहता, ग्राह्य भी नहीं रहता, इस प्रकार का एक रूप हो जाते हैं इस प्रकार का।
तो ये ऋतम भरा प्रज्ञा जागृत होना और आत्मा की अनुभूति होना, आगे चलकर उसमें आनंद की अनुभूति है, आत्मा के आनंद, आत्मा आनंद स्वरूप है, इसलिए आगे चलकर केवल अस्मिता भाव इस प्रकार का बताते हैं। वस्तु मात्र के ज्ञान जिनके योग से होता है वो प्रज्ञा हो। तो प्रज्ञा का मुख्य जो है वो ज्ञान करवा देना, ये उसका कार्य है। अभी हमारे ग्रंथों में भी ये प्रज्ञा, बुद्धि और धी वगैरह इस प्रकार के शब्द आते हैं। एक बार ये मन और आयुर्वेद, मन और आयुर्वेद, ये जो रमेश नालक की किताब है वो पढ़नी चाहिए। तो मेरे मन में काफी विषय है कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है, कब तो कैसे पढ़ेंगे मालूम नहीं। वो तो 1100 पृष्ठों की किताब है और अच्छा संकलन है, लेकिन उसमें जो विचार होंगे वो हमें देखने इस प्रकार के हैं। रमेश नांदल ने मुझे एक बार सुझाव दिया था और वो काफी महत्वपूर्ण गहरा सुझाव इस प्रकार का था। उनका कहना था कि जो षट पदार्थ है उनका एक दूसरे से रिलेशन क्या है, ये ढूंढना ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। मैंने प्रातिपदिक कोष में वो प्रयोग किया है कि मूल जो है वो द्रव्यगुण कर्म इस प्रकार के हैं, उनका एक दूसरे से संबंध है, उसमें कोई संबंध नहीं, ये संदेह नहीं है। लेकिन सामान्य विशेष जो है ये इनके कंपैरिजन से मिलते हैं, द्रव्यगुण कर्म के तुल्यार्थता ही सामान्य विशेष विपर्य है इस प्रकार के। और समवाय फिर भी एक अलग पदार्थ रह जाता है, खास करके अनित्य पदार्थों के बाबते में, बारे में। और फिर समवाय को भली भांति समझ लेना अनित्य पदार्थों के जरिए, इसका संबंध प्रकृति सम समवाय, विकृत विषम समवाय, अन्यश्च विकल्प नहि विकल्पिता नाम वगैरह वगैरह, ये जो है उनसे संबंध है। तो ये मामला काफी गंभीर है, समझने में काफी मुश्किल इस प्रकार का है। अब हम कोशिश करते हैं कि इनसे सूक्ष्म सूक्ष्म भाव तक चले जाएंगे। जैसे मॉडर्न साइंस ने भी पदार्थ फिजिक्स में कंपाउंड है, फिर उसके विविध परमाणु इस प्रकार के हैं, H2O है तो हाइड्रोजन के दो, ऑक्सीजन के एक, इस प्रकार से वो हाइड्रोजन का स्वरूप का है, ऑक्सीजन का स्वरूप का है, ये दो क्यों इकट्ठा आते हैं वगैरह वगैरह, इसके बारे में काफी बहस की गई है। और फिर उसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं वगैरह वगैरह। तो मूल तत्व तक पहुंचने की कोशिश मॉडर्न साइंस में भी इस प्रकार की होती रहती है। हमारे हिसाब में भी ये जो दृश्य विश्व है उसका मूल क्या है ये देखना है। पंचीकरण है, पंचमहाभूत है, तो अकेले अकेले पंचमहाभूत क्या है, उनका मूल क्या है, पंचतन्मात्रा इनके हिसाब से, या परमाणु है वगैरह इस प्रकार से, न्याय वैशेषिक के हिसाब से। अब ये बातें समझते रहना यथार्थ से उसके बारे में, व्हाट वाज वैद्य को लेट कर आंसर प्लीज टेल अगेन। उनका कहना था कि जागृत अवस्था में उद्दान जागृत रहता है, उसकी एक उद्धरण शक्ति है, और फिर उसके जरिए वजन महसूस नहीं होता। जब उद्दान का कार्य कम हो जाता है सुप्तावस्था में तो ये विरोधी बल जो है उद्धरण वाला, नो नहीं होने के कारण जड़त्व महसूस होता है, इस प्रकार का उनका कहना था। तो इस प्रकार से सोच पाना ये भी काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का। हमें आयुर्वेद की दृष्टि से अगर देखना है कि हमारे दृष्टि में चार द्रव्य है, पदार्थों के हिसाब से देखा जाए शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, ये चार द्रव्य है।
वैशेषिक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, उसके साथ जुड़े गुण और कर्म इस प्रकार के हैं। और फिर सामान्य विशेष और समवाय इन पदार्थों का इन द्रव्य गुणों कर्मों से कुछ है। सामान्य विशेष का जो है वो द्रव्य सामान्य बेसिकली है इस प्रकार से, गुण सामान्य कुछ हद तक कह सकते हैं, कर्म सामान्य वास्तव में नहीं होता, मैंने मेरा जो विचार है उसके बारे में। और समवाय को समझ लेना ये एक और अलग बात इस प्रकार की होगी। तो जैसे जैसे हम सूक्ष्म सूक्ष्म विषय में चले जाएंगे, वैसे हमारे हिसाब में शरीर है तो उसमें दोष धातु मल है, फिर दोष क्या है, वात चीज क्या है, पित्त क्या है, कफ क्या है। अभी ये पंचीकरण के आधार पर हम सोच रहे हैं वात पित्त कफ के बारे में इस प्रकार से। आकाश और वायु के जरिए वायु, पित्त जो है वो तेज महाभूत से, और पृथ्वी और जल से कफ इस प्रकार से, इसका मूल क्या है। तो ऐसे करते करते हम आगे पहुंच जाएंगे तो फिर ब्रह्म तत्व में ही जाएंगे, तो फिर हमारा व्यवहार क्या होगा ये अलग बात रहेगी। हमें पारमार्थिक सत्ता और व्यावहारिक सत्ता, ये जो शंकराचार्य ने बात छेड़ी है, हमें किसमें काम करना है। आयुर्वेद समझने के लिए व्यावहारिक सत्ता पर काम करना पड़ेगा, और समाधि अवस्था को प्राप्त करने के लिए पारमार्थिक सत्ता पर काम करना पड़ेगा। दोनों उद्दिष्ट हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। मैं चाहता था कि मैं आयुर्वेद सूत्रों के आधार पर आयुर्वेद के समझ सकूं। कुलटकर सर ने एक सूत्र उठाया, हेतुलिंग औषध ज्ञानम स्वस्थातुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुद्धेयम पितामह, उसके आधार पर त्रिस्कंधकोश की रचना उन्होंने सोची। मेरा विचार था कि मैं आयुर्वेद सूत्रों के आधार पर आयुर्वेद को समझ सकूं। तो मुझे सूत्र मिल गया, सामान्य च विशेषण च गुणान द्रव्याणि कर्म च समवाय च तद् ज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधिमाखिता। आयुर्वेद जाना ऋषि मुनियों ने, तो क्या जाना, तो छह पदार्थ जाने इस प्रकार। बस यही आयुर्वेद है, इन छह छह पदार्थों का ज्ञान यह आयुर्वेद है। अभी मुश्किल ही बात यह है कि इनको हम भली भांति कैसे जानेंगे इस प्रकार से। इसलिए मैंने पहला क्लासिफिकेशन किया कि सृष्टि विशिष्ट और पुरुष विशिष्ट, इस प्रकार के भावों को अलग किया। पुरुष विशिष्ट भावों में शरीर इंद्रिय मन आत्मा ये चार आ गए। सृष्टि विशिष्ट भावों में पुरुष जो स्थावर जंगम और खनिज, इस प्रकार की जो पृथ्वी है, ये सभी भाव आ गए। फिर स्थावर में क्लासिफिकेशन हो गया वनस्पति वानस्पति अविरुद्ध वगैरह इस प्रकार के। जंग में क्लासिफिकेशन आठ मांस वर्ग बने इस प्रकार से। खनिजों में काफी इस प्रकार के में, जैसे रत्न समुच्चय में हमने पढ़ा इस प्रकार से, उरस उपरस महारस साधारण रस वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो इन सभी को देखते हुए ये द्रव्य है, उसके साथ जुड़े गुण कर्म है, और उन गुण कर्मों को हमें आयुर्वेद की दृष्टि से देखना है, ये एक अहम मुद्दा इसके कंपैरिजन करनी है उस, क्योंकि वो कंपैरिजन नहीं करेंगे तो सामान्य विशेष के बारे में पता नहीं चलेगा। और सर्वदा सर्वभामानाम सामान्य बुद्धि कारणम राहत हेतुर्विशेष प्रवृत्ति रुभयस्य तु, इस सूत्र का अर्थ ध्यान में नहीं आए। तो सामान्य किस स्तर पर हम समझ लेते हैं, ये बात उसमें से निकली। फिर द्रव्य सामान्य के हिसाब में ये प्राणिज सृष्टि के संबंध में रक्त माप पहते रखते न वगैरह इस प्रकार, गुण सामान्य के जरिए गुणों समान है तो उससे समान गुणाभ्यास हो, धातु नाम वृद्धि कारण वगैरह इस प्रकार के जो सूत्र है वो सामने आ जाएंगे।
और फिर आत्मा मन इंद्रिय, ये फिर भी अलग रहे इस प्रकार से। और मन जो है इसको सत्व संज्ञा दी गई है, शरीर निर सत्वात्म संयोग उधारी जीवितम इस प्रकार से। तो ये केवल मन नहीं है, उसमें बुद्धि है, अहंकार है, ये भी एक प्रकार की बात है जिसको इन्होंने चित्त इस प्रकार से कहा है। और फिर ज्ञान की प्रक्रिया क्या होती है? ज्ञान होता है यानी कि क्या होता है, ये भी एक अहम मुद्दा इसमें सामने इस प्रकार का आएगा। और ये ज्ञान कंडीशनड अगर ज्ञान है तो बगैर कंडीशन के ज्ञान तक कैसे पहुंचने का, कंडीशन ज्ञान से आरंभ करके बगैर कंडीशन के ज्ञान तक कहां कैसे पहुंचेंगे, मुश्किल मामला इस प्रकार का है। लर्निंग इज सिंपल, अनलर्निंग इज वेरी डिफिकल्ट, ऐसा कहा जाता है कि सीखना आसान होता है लेकिन जो सीखा है उसको भूल जाना ये बहुत मुश्किल काम होता है। क्योंकि उनके विचार बार बार मन में आते ही रहते हैं इस प्रकार से। तो इसलिए चित्तवृत्ति निरोध की बात की गई कि चित्त विशिष्ट विषय पर केंद्रित करना इस प्रकार से, तो बाकी विषयों से वो अलिप्त इस प्रकार का हो गया, उन चित्तवृत्तियों का निरोध हो गया। अब जिसमें चित्तवृत्ति का निरोध हम कर रहे हैं, कोई आलंबन है, वो आलंबन भी छोड़ देंगे। सवितर्क में, वितर्क में सामने आलंबन है, मूर्ति है, तस्वीर है, वो आलंबन भी छोड़ देंगे। फिर विचार चल रहे हैं तो विचारों के जरिए वो मूर्ति सामने खड़ी हो जाती है, उस पर भी चित्त स्थिर हो जाता है इस प्रकार से। विचार भी नहीं रहेंगे, निर्विचार वैशारद्य इस प्रकार का कहा जा रहा है। अब कुछ भी नहीं है ऐसे बारे में सोचना मुश्किल काम है। क्योंकि हम कुछ ना कुछ प्रकार का सोचते रहेंगे, तो सवितर्क निर्वितर्क, सविचार और निर्विचार इस प्रकार की जो समाधि की अवस्थाएं, इस प्रकार की निर्विचार समाधि की अवस्था कि जहाँ कुछ भी विषय नहीं है, आलंबन का कोई संबंध नहीं है वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो ग्राह्य समापत्ति तो समाप्त तो हो गई, ग्राह्य करने लायक कुछ है ही नहीं इस प्रकार से। जिन इंद्रियों के द्वारा या चित्त के द्वारा हम ग्रहण करेंगे वो भी इस प्रकार का नहीं रहेगा, तो ग्रहण समापत्ति भी चली जाएगी। और केवल आत्म तत्व और मैं ही उसको समझने वाला, तो दोनों एक ही हो गई, एक ही हो गई है, तो ग्रहिता समापत्ति इस प्रकार में पहुंच जाएंगे। और जिस चित्त में समाधि का संस्कार नहीं होता है, उस ऐसे प्राकृत जनों के चित्त की प्रज्ञा भ्रांति संशय इत्यादि दोषों से ग्रस्त, प्रज्ञा भ्रांति संशय इत्यादि दोषों से ग्रस्त होने के कारण उसको ऋतमर्दा प्रज्ञा नहीं कहते। किंतु जो साधक समाहित चित्त होते हुए निर्विचार समाधि की वैशारद्य अवस्था प्राप्त कर लेता है, उसके चित्त में विपर्यस्त ज्ञान का गंध भी नहीं रहता, केवल ऋतयन थी यथार्थ सत्य इस ज्ञान का ग्रहण कर होने के कारण उसको ऋतंभरा प्रज्ञा इस प्रकार की संज्ञा योग शास्त्र में दी गई है। एक श्री एम ने एक अजब अनुभव बताया कि बहु ही एक बहु ज्ञानी इस प्रकार की व्यक्ति, बहुत सारे शास्त्रों का परिशीलन करके तत्व अंतिम तत्व जानने की कोशिश कर रही थी, काफी बूढ़े हो चुके थे, फिर भी उनको वो समाधान नहीं था कि जो जानना है मुझे, मैं जान गया हूँ। तो इन्होंने कहा कि मेरे गुरु है महेश्वरानंद, शायद आपकी कुछ सहायता कर सकते हैं, तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ, अगर वो तैयार है तो मैं आपको बता दूंगा। अभी तो बाहर गए हैं, 6 महीने के बाद लौटेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर हो सकता है तो देखो इस प्रकार से। महेश्वरानंद वापिस आ गए और फिर एम ने उनको पूछा कि ऐसी ऐसी व्यक्ति है, बहुत ज्ञानी है,
लेकिन फिर भी जो उनको चाहिए वो नहीं मिल रहा, इस प्रकार असमाधानी इस प्रकार की। तो बोले कि हाँ ठीक है, बोलेंगे उनके साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर दोनों की मुलाकात हुई और महेश्वर आनंद ने सीधा बताना शुरू कर दिया कि हर क्षण को जीना है, मुझे उसी क्षण में क्या निमग्न हो जाना है। अब क्षण तो बदलने वाला है, हर क्षण बदलने वाला है, इस प्रकार का है। तो अगर केवल हम उस क्षण को जीने की कोशिश करते हैं तो कुछ नहीं रहेगा, इस प्रकार से। काफी मुश्किल मामला है कि हमें बाकी कुछ देखना ही नहीं है और हर क्षण केवल आत्मानुसंधान इस प्रकार का करते रहना है, इस प्रकार का थोड़ा सा रहेगा। तो उनका कहना था कि जब उनकी समाधि हो गई उस व्यक्ति की, तो उनके चेहरे पर बहुत ही अच्छा हास्य था कि उनको जो चाहिए था वो उनको मिल गया था, इस प्रकार के। बट एग्जैक्टली व्हाई वी आर हु इज इन ऑपरेशन और कंट्रोल माइंड बॉडी सोल विच द्रव्य, व्हाट हैपन्स ऑन द्रव्य लेवल। हाँ, इसी की खोज है। मैं कौन हूं, सभी अध्यात्म वाले ये बताते हैं, हु एम आई, इस प्रकार से। और पहले तो ऐसा है, देह भाव ये होता है, मैं देह हूँ, इस प्रकार मुझे दुख हो रहा है, मुझे हाथ दर्द हो रहा है, वगैरह वगैरह, इस प्रकार से। और ये बताए देहो नाम, मैं देह नहीं हूँ, इस प्रकार से। तो वास्तव में मैं क्या हूँ, इसी की खोज अध्यात्म है। पाहवे अपना से अपना याचे नान या याचे नाम आत्मज्ञान, ये रामदास ने कहा कि खुद को देखना है। पावे अपना से अपना, हम खुद ही अपने को ही देखे, इस प्रकार के, ये आत्मज्ञान है। तो ये सानंद संप्रज्ञाता समाधि की अवस्था, इस प्रकार की। तो हर क्षण अगर हम उसी में लगे रहेंगे, आत्मा की अनुभूति में लगे रहेंगे, तो बाकी कुछ होगा ही नहीं ना, अनुभव होगा ही नहीं। अब कुछ लोग यहाँ पे रुक जाना चाहेंगे कि बस बाकी और कुछ नहीं कहा, आत्मस्ते मनसि स्थिरे स शरीर से योग्यतम योगम ऋषि विदु। शरीर ही है, जीवित व्यक्ति है, और फिर इस प्रकार की बात होती है, तो उसको योग कहते हैं, इस प्रकार से। लेकिन उसके भी आगे अस्मिता भाव, ये भाव होता है, उसके आगे असंप्रज्ञाता समाधि होती है, और तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, इस स्थिति को प्राप्त करवा देना, ये एक अंतिम इस प्रकार की अवस्था रहेगी। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि वैशेषिकों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये सामान्य से विशेष, ये हमारे दृष्टि से, या द्रव्यगुण कर्म सामान्य विशेष माया अभाव वहा सप्त पदार्थ, या अभाव उसमें है, आयुर्वेद ने अभाव नहीं लिया, इस प्रकार से। तो सात पदार्थ या छह पदार्थ, इस प्रकार के। तो शुरुआत करने के लिए ये ठीक है कि छह पदार्थ होते हैं, सृष्टि विशिष्ट होते हैं, पुरुष विशिष्ट होते हैं, और जहां तक मुझे आयुर्वेद समझना है वहां ये काफी है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि सूत्रों को दो हिस्से में बांटा, एक पुरुष विशिष्ट सूत्र, एक सृष्टि विशिष्ट सूत्र, इस प्रकार। और फिर किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषणम, स्वस्थ वृत्त मतन, किंचित त्रिधर्म विमुच्यते, ये क्लासिफिकेशन ले लिया। तो द्रव्यों के सृष्टि विशिष्ट द्रव्यों के बारे में इसके आधार पर सोचना है, पुरुष विशिष्ट जो है वो शरीर इंद्रिय मन आत्मा, इनके बारे में सोचना है, शरीर में दोष धातु मल स्रोतस अग्नि, इनके बारे में सोचना है, इंद्रियों को अलग सोचना है, मन अलग सोचना है, और उसके साथ बुद्धि अहंकार, इनको भी सोचना है।
और आत्मा के बारे में और अलग तरीके से सोचना है। तो ये परिच्छेदो ही पांडित्यम, इस प्रकार के टुकड़े 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 बनाना और हर टुकड़े का अलग अलग अध्ययन करना, ये एक पांडित्य कहा जाता है। कोलटकर सर ने ये सूत्र बताया था, परिच्छेदो ही पांडित्यम, इस प्रकार से, और उसके आधार पर हमें आगे बढ़ना है इस प्रकार से। लेकिन टुकड़े टुकड़े जोड़कर भी पूरा पिक्चर तैयार नहीं होता। पूरे पिक्चर को समझने के लिए पूरा पिक्चर ही देखना चाहिए। शायद पूरे पिक्चर को हम टुकड़े टुकड़े बांट कर टुकड़े टुकड़े समझ लेंगे, लेकिन पूरा पिक्चर फिर भी उससे अलग रहे। काफी मुश्किल मामला है। मैं अगले बुधवार को मुझे इसके बारे में फिर से एक बार याद दिलाना। त्रिस्कंद कोश और मूल संहिताएं, इनका जो रिलेशन है, या पातंजलि योग सूत्र, पातंजलि व्याकरण, व्याकरण के सूत्र पतंजलि के, और वैयाकरण सिद्धांत का, ये जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पे मालूम होती है इस प्रकार से। और हमें पूरा ज्ञान करने के लिए मूल ग्रंथों का ही अध्ययन आवश्यक है, इसमें संदेह की बात नहीं है। टुकड़े टुकड़े का अध्ययन करने के लिए त्रिस्कंद कोश पारतपरिक कोश है इस प्रकार। तो मुझे एक बार याद दिलाना, मैं अगले बुधवार को इसके बारे में बहस करूंगा। अभी जाप करते हैं, ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। तो धन्वंतरये नमः, ओम 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 धन्वंतरये नमः। एक भी शब्द अच्छे तरीके से अगर ज्ञात होता है तो स्वर्गे लोके च कामधुग भवति, इस प्रकार का व्याकरण महाभाष्य में कहा है। एक तरी ओवी अनुभव अवी, ऐसा ज्ञानेश्वर ने कहा। एक भी सूत्र का अगर हम अनुभव करते हैं तो भी हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तरी आधी कौन था हाँ वो तो सगड़ा टाइम वाला चाहिए सरकार चलाए हाँ चलेंगे ठीक है कर हाँ हाँ ओके बाय।
ओम शांति 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 विरम्यते व्याख्यान व्यापारात् श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।